भक्त देवराज की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अशोक नगर मोक्षधाम में अंतिम संस्कार भारी पुलिस जाब्ते के बीच किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर आपको उदयपुर में दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। ड्रोन के नजरिए भी के जरिए भी यहां पर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम समाज के लोगों से अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और ये मोक्ष रथ जिसमें इस वक्त अंतिम यात्रा पर देवराज निकला हुआ है, देवराज जो चार दिन से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, 16 अगस्त में चाकूबाजी की घटना में वो घायल हो गया था। स्कूल के अंदर ही एक छात्र ने उस पर चाकू से कहासुनी के बीच हमला कर दिया था। उसके सहपाठियों ने ही उसे लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की गई। बाकायदा ऐसे में अस्पताल में एक बेहतरीन डॉक्टर्स का पैनल भी भेजा गया, लेकिन ट्रीटमेंट हर तरीके के देने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण ये कि कल 3 बजे के आसपास उसने अपने प्राण त्याग दिए। जाहिर तौर पर ये एक बहुत धक्के वाली खबर, या यूँ कहें कि परिवार को तोड़ने वाली खबर है। बुरा हाल परिवार के लोगों का है, समाज के लोग उसे अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, चूँकि चार दिन से जिस तरह से उदयपुर के नाजुक हालात रहे हैं ये हर किसी ने देखा। और ऐसे में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी इस यात्रा में खुद शामिल हैं, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की कोई भी उपद्रवी यहां पर या सामाजिक तौर इसका फायदा न ले। समाज से जुड़े हुए लोग, तमाम उदयपुर की महिलाएं भी सड़कों पर आकर अंतिम विदाई इस बच्चे को दे रही हैं। ना सिर्फ परिवार के लोग बल्कि पूरा उदयपुर इस बच्चे से कनेक्ट कर रहा है, चूंकि जाहिर तौर पर एक हिम्मती बच्चा जो कि चार दिन तक कोशिश उसकी भी रही कि किस तरह से वो मौत पर विजय पा सके, लेकिन शायद ये किस्मत को मंजूर नहीं होगा। छोटी सी मामूली सी कहासुनी और उसमें दो छात्रों के बीच यहां पर कहासुनी के दौरान एक छात्र चाकू से हमला देवराज पर कर देता है। हालांकि जो भी मांगे समाज के लोगों की रही, उदयपुर के लोगों की रही, परिवार के लोगों की रही, प्रशासन ने सुना और एक बड़ी भूमिका यहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी निभाई गई, चाहे उदयपुर ग्रामीण के फूलचंद मीणा विधायक हों या फिर उदयपुर शहर के विधायक। आज दोनों विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि कांग्रेस के नेता भी इस वक्त अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम को 5 बजे के करीब डॉक्टर्स ने बच्चे के शव को परिवार के लोगों को सुपुर्द किया था। वो लोग जो उदयपुर के इस बच्चे को जानते भी नहीं है, लेकिन शायद हर किसी माँ के अंदर अपने बच्चे के लिए, दूसरे के बच्चों के लिए भी वो दर्द महसूस करने की क्षमता होती है, और इसीलिए उस वजह से तमाम जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, वो अंतिम यात्रा में शामिल हो रही हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से अंतिम यात्रा का पड़ाव आगे बढ़ा, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग भी सड़कों पर उमड़ पड़े। हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी को लग रहा है कि जैसे उनका कोई अपना ही बच्चा हो जो अंतिम यात्रा पर निकला हो। देवराज, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल की रही होगी, 10वीं का ये स्टूडेंट, और स्कूल के अंदर ही उस पर चाकू से हमला कर दिया था। एक छात्र ने, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, उसे भी गिरफ्तार किया गया, उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया। मांग थी कि आरोपी छात्र का घर अवैध रूप से बना है, उसको के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। जाहिर तौर पर जांच पड़ताल भी नगर निगम ने की, और ये पाया भी कि वन विभाग की जमीन पर घर बना था जिसको बुलडोजर एक्शन के तहत जमींदोज भी किया गया। अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये आखिरी पड़ाव किसी भी इंसान का जो जमीन पर आता है। मोक्ष धाम में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ड्रोन के जरिए पैनी नजर, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि चार दिन से इंटरनेट बंद है। और आज भी अपने दर्शकों को बता दें कि उदयपुर में इंटरनेट बंद होगा। एहतियातन ये बड़ा फैसला जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी ढिलाई जो है वो कानून व्यवस्था को ना बिगाड़ पाए। आपने देखा था कुछ इस तरीके की अफवाहें भी इंटरनेट पर फैली थी, जिसकी वजह से मामला काफी तनावपूर्ण उदयपुर में हुआ था। धारा 163 तक लागू करनी पड़ी थी। फूल बरसाकर
अंतिम विदाई समाज के लोग देते हुए उदयपुर में नजर आ रहे हैं। भावुक ये क्षण है, गमगीन माहौल है उदयपुर में इस वक्त। हालांकि कल भी जाहिर तौर पर तमाम लोग नारेबाजी करते हुए अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था। तमाम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच जब समाज और परिवार के लोग के साथ बातचीत हुई तो जो मांगे थी उनको माना गया। खासतौर पर तीन जो प्रमुख मांगे थी उन पर सहमति बनी, जिसमें कि परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी है। लेकिन जाहिर तौर पर जब उनकी मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह का कोई भी यहां पर आर्थिक मदद नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए कि जो मेरा बच्चा चला गया उसकी भरपाई कैसी होगी। जाहिर तौर पर एक इतना भारी सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास ना हो। लेकिन लोगों ने समझाया कि आप लोगों की जो दूसरी मांगे थी उसको भी पूरा काम करने में छड़ भी नहीं लगाया है प्रशासन ने, चाहे आरोपी छात्र की गिरफ्तारी, उसके पिता की गिरफ्तारी हो या फिर बुलडोजर एक्शन आरोपी छात्र के घर के खिलाफ हो। लेकिन इन सबके बीच में जाहिर तौर पर ये अपूर्णीय क्षति किसी भी परिवार के लिए होती है जब उसका बच्चा इतनी कम उम्र में चला जाए, तो एक दुखों का परिवार टूटा है उन बहनों के लिए, उस पिता के लिए, उस माँ के लिए। चूंकि कल एक प्यारा सा पर्व भी भाई बहन के लिए था, रक्षाबंधन, और सोचिए 2:15 बजे डॉक्टर्स की परमिशन लेकर बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए राखी पहुंची थी ICU में। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन चूंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था और इसीलिए अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए के बाद एक ऑर्गन फेलियर होता गया। 3 बजे के बाद एकदम तबीयत बिगड़ी और देवराज खबर आई कि हम सबके बीच में नहीं रहा। 4 दिन तक ये हिम्मती बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर रहा होगा। 16 अगस्त से लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, इंटरनेट बंद कर दिया गया था और कल रक्षाबंधन पर ऐसा लगा कि उदयपुर एक बार फिर अपनी पटरी पर लौट रहा है। कुछ रौनक दिखी बाजारों के अंदर भी, पर्यटकों की संख्या भी दिखी, लेकिन इन सब के बीच में अचानक जब 3 बजे छात्र की मौत की खबर आई तो एक बार फिर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण बनी। कई लोग नारेबाजी करते हुए अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए। हालांकि उनकी वार्ता प्रशासन के बीच लंबी चली और आखिरकार जो मांगे रखी गई थी समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, उन मांगों को भी माना गया और उसके बाद शांति व्यवस्था कायम रखने में तमाम बड़े अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि सरकार खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट तमाम पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन भी ले रहे थे। लिहाजा जो उदयपुर को भली भांति अधिकारी जानते हैं, जिनकी तैनाती यहां पर रही है, उस लेवल के बड़े अधिकारियों को वापस उदयपुर भेजा गया, जो पिछले 3 दिन से उदयपुर के अंदर ही डेरा डाले हुए थे। अभी भी बड़े लेवल के SP लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो खुद इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि अब आखिरी पड़ाव पर ये अंतिम यात्रा आ चुकी है। कमलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमलेश, हर एक तस्वीर आप लोगों के माध्यम से जनता तक हम पहुंचा रहे हैं, भावुक ये क्षण, चूंकि जाहिर तौर पर उदयपुर का हर एक परिवार इस बच्चे के साथ कनेक्ट हो गया था। अगर हम इमोशनली रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग भी आज गमगीन हैं, उदयपुर गमगीन है। कहाँ यह अंतिम यात्रा इस वक्त पहुंची है? ये देखिए, बिल्कुल जो अंतिम यात्रा है वो मोक्षधाम अशोकनगर के करीब पहुंच गई है और कुछ देर बाद जो है कि अंतिम जो संस्कार वो उसकी क्रिया शुरू होगी। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई है विश्राम घाट पर लाया गया शव, वहां पर विश्राम दिया गया शव को। उसके बाद अब जो है कि मोक्ष धाम की ओर बढ़ रही है शव यात्रा और कुछ देर बाद जो है कि अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी। जी कमलेश, चूंकि उस सड़कों पे भी तमाम महिलाएं भी हम देख रहे हैं, तमाम बुजुर्ग परिवार के साथ वो लोग भी हैं जो शायद देवराज को नहीं जानते होंगे, लेकिन उदयपुर के लोगों के बीच 4 दिन से जो ये मसला चल रहा है तो हर कोई देवराज से ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर कनेक्ट कर पा रहा है और इसीलिए अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि पूरा उदयपुर उतर आया हो। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे?
जी देखिए बिल्कुल, ये जब ये दुखद घटना उदयपुर की पिछले 3 दिनों से चल रहा था पूरा, और जब लोगों को पता चला कि सुबह ही मौत जो है कि अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी, तो इस समय लोग सुबह सुबह उठे हैं और घरों से बाहर इसी शव यात्रा को देखकर बिल्कुल उनको हार्दिक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और काफी संख्या में जो शव यात्रा में लोग चल रहे हैं, बड़ी संख्या में समाज के लोग है, हिंदू समाज के लोग है, मुस्लिम समाज के लोग है, जनप्रतिनिधि, पुलिस के बड़े जो प्रशासन के अधिकारी मौजूद है शव यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा जो जहां से शव यात्रा गुजरी वहां से लोग सुबह जब पता चला कि शव यात्रा निकलती तो लोग घरों से बाहर आए और देवराज के अंतिम दर्शन किए और हार्दिक श्रद्धांजलि भी दी। जी कमलेश, सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला है, धारा 163 तक लागू करनी पड़ी, इंटरनेट आज भी बंद रहेगा। देखिए व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल शांति सुरक्षा बनी रहे, किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो, कोई माहौल नहीं गर्मा है, इसमें इंटरनेट पूरी तरह से बंद रखा गया है आज भी 24 घंटे के लिए, आज रात 10 बजे तक इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहेगा। जी अभी किस तरह की सिचुएशन है उदयपुर में, अगर सुरक्षा की बात करें कमलेश? जी देखिए पूरी उदयपुर में अभी भी चप्पे चप्पे पे पुलिस के जो जवान को तैनात किया गया है, पुलिस के जो अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर सर्कल पर हर चौराहे पर जाकर लगातार देर रात से ही बिल्कुल कंटिन्यू जो है कि मॉनिटरिंग की जा रही, किसी तरह की कोई अशांति नहीं फैले उसके लिए जगह जगह पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। जी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी तो कल तक रही थी, आज की स्थिति क्या है कमलेश? जी देखिए बिल्कुल कल रात को इस बात के आदेश जारी कर दिए गए कि एहतियात के तौर पर आज स्कूल और कॉलेजों में बिल्कुल अवकाश या घोषित किया गया है, तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए आज छुट्टी रखी गई ताकि किसी तरह की कोई माहौल इस तरह से हो तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी ड्रोन से भी पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है, और आज उदयपुर शहर में नेटबंदी के भी आदेश कल शाम को ही जारी कर दिए गए थे। स्कूल कॉलेज भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं छुट्टी रहेगी, एहतियातन तौर पर ही कुछ फैसले प्रशासन की तरफ से लिए गए हैं। कमलेश बाजार को लेकर क्या अपडेट है? कल तो हमने देखा था कि जैसे ही मौत की खबर सामने आई 6 से ज्यादा बाजार बंद हो गए थे, बवाल बढ़ता देख, आज क्या, चूंकि सुबह का वक्त है जाहिर तौर पर अभी तो बाजार बंद होंगे, लेकिन आगे क्या स्थिति रहेगी, क्या फैसला? जी देखिए बिल्कुल कल जो दोपहर में राखी को देखते हुए बाजार जरूर खुले थे, लेकिन जब देवराज की मौत की खबर सामने आई तो उसके बाद पूरे बाजार को धीरे धीरे बंद होने लगे, लेकिन अभी सुबह का वक्त है तो ऐसे में बाजार सारे बंद है, लेकिन जो जो समय निकलेगा उसके बाद अंतिम संस्कार की भी जो क्रिया है वो पूरी हो जाएगी, तो संभावना है कि आज बाजार फिर से खुल जाएंगे धीरे धीरे। जी कमलेश इस वक्त कितनी संख्या में वहां पर अशोकनगर मोक्षधाम में लोग मौजूद होंगे, और सुरक्षा को लेकर क्योंकि कई ऐसे उदयपुर से अधिकारी को भी बुलाया गया था जो डेरा डाले हुए थे पिछले 3 दिन से, जो उदयपुर के कभी यहां पर तैनाती उनकी रही थी, उदयपुर की स्थिति को वो समझते हैं, किस लेवल के अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? जी देखिए बिल्कुल जब ये माहौल तनावपूर्ण होता गया तो ऐसे में जो है कि पुलिस के आला अधिकारी जो यहाँ पर पहले रह चुके हैं उनको बाहर से बुलाया गया, क्योंकि वो सारी भौगोलिक स्थिति यहाँ की जानते हैं, सभी सिचुएशन से कई बार उन्होंने निपटा है, तो उनको बुलाया गया और पिछले 3 दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो है कि जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनसे बिल्कुल चर्चा कर रहे थे किसी तरह की बात आगे नहीं बढ़े, और लगातार अपील भी करते रहे कि किसी तरह का शहर में तनाव नहीं हो, और जल्द से जल्द जब फर्स्ट दिन ये माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ तो उसके बाद पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, ऐसे में अभी बिल्कुल शांति है और पूरी तनावपूर्ण यहाँ से कोई स्थिति नहीं है, लेकिन पुलिस की बराबर निगरानी की जा रही है कि व्यवस्था नहीं बिगड़े, कोई अशांति नहीं चले। जी कौन कौन से नेता इस बीच यहाँ अंतिम यात्रा में नजर आए हैं कमलेश? देखिए अभी अंतिम यात्रा में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर विधायक ताराचंद जैन और महापौर, उप महापौर सहित जो कई पार्षद हो, कई जो लोकल स्तर के नेता है वो जरूर जनप्रतिनिधि वो शामिल हुए। जी और जाहिर तौर पर इन सभी की एक बड़ी भूमिका भी कही जा सकती है कि किस तरीके से सहमति मांगों पर बने जो वार्ता कल हमने देखी और शांति की अपील भी लगातार जनप्रतिनिधियों की तरफ से की जा रही थी कमलेश। जी देखिए बिल्कुल सभी की इसमें भागीदारी रही है, क्योंकि जब ये माहौल को शांत कराया गया, जब सहमति की जब चर्चा हुई उसके बीच में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, संगठन के प्रमुख लोग मौजूद रहे, मोची समाज के जो राष्ट्र नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचे, उसके बाद यहाँ पर सहमति बनी और सभी की अपनी अपनी भागीदारी रही। जी कमलेश हमारे संवाददाता बता रहे हैं, ताराचंद भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उदयपुर शहर के नेता हैं और विधायक हैं, इसके साथ साथ पूचन मीणा भी यहाँ पर मौजूद हैं, और
एक जाहिर तौर पर तमाम समाज के लोग तो जुड़े ही हैं, कांग्रेस के भी यहाँ पर कमलेश बताया जा रहा है कि कई नेता मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम पार्टियों के नेता जो है कि कांग्रेस है, बीजेपी या अन्य जो पार्टी, उन सभी के नेता यहाँ पर जो है उन सभी संगठनों के प्रमुख और कार्यकर्ता भी इस पूरी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा के साथ लोग जुड़े हो लगातार। अब जो है कि इस समय मोक्ष धाम में ये अंतिम यात्रा प्रवेश कर रही है और कुछ देर में ही अंतिम क्रिया का पूरा जो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, अंतिम संस्कार की जो भी क्रियाएं हैं वो अब शुरू होंगी। कमलेश हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, महापौर और पुलिस के बड़े अधिकारी। चूंकि जाहिर तौर पर इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कल से ही भारी पुलिस फोर्स उदयपुर में चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर पैनी नजर उदयपुर में रखी जा रही है। कमलेश, कितनी संख्या में लोग इस वक्त मोक्ष धाम में आपको नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो है कि इसमें शामिल हुआ है। शव यात्रा में कहा जाए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं और शव यात्रा को उसमें अंतिम विदाई देने के लिए और मोक्ष धाम में यात्रा प्रवेश कर रही है और कुछ देर में जो है कि अंतिम संस्कार की क्रिया भेजेगी। और हालांकि पूरी पुलिस प्रशासन की निगरानी बराबर चल रही है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, शहर में किसी तरह का तनाव नहीं हो, किसी तरह का माहौल नहीं हो, इसको लेकर भी चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, असामाजिक तत्व किसी तरह से इस नाजुक क्षण का फायदा न उठा ले, जो हमने उदयपुर में कुछ वक्त पहले भी देखा था। ऐसे में धारा 163 तक लागू करनी पड़ी थी, लिहाजा अब पूरी तरह से उदयपुर में पुलिस फोर्स की तैनाती है। यहाँ पर जो 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पर बातचीत बनी है, संविदा पर नौकरी को लेकर जो सहमति बनी है, SC ST एक्ट मामले में कार्रवाई की बात जो अब प्रशासन की तरफ से कही गई है, चूंकि ये तमाम कमलेश मांगे थी परिवार की तरफ से, जिससे एक भी क्षण नहीं लगाया गया पूरी मांगे पर सहमति बनाने के लिए, पूरी करने के लिए कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कमलेश क्या जानकारी है? जी देखिए, जब ये जब पूरा मामला हुआ तो उसके बाद इन चार मांगों को रखा गया था। आर्थिक मुआवजे की मांग रखी गई थी, सरकारी नौकरी की मांग रखी गई थी, सुरक्षा की मांग की गई थी। तो इस तरह की जब मांगे जब रखी गई थी उस समय बिल्कुल यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ के मौजूद थे, समाज के लोग मौजूद थे, प्रशासन के, पुलिस के सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सभी की सहमति होने के बाद ही जो है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद आज सुबह शव यात्रा शव का जो है कि वो अंतिम संस्कार के लिए सहमति हुई। जी कमलेश, पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनी भी तैनात की गई है, क्या जयपुर से भी अलग से जाब्ता भेजा गया है? बिल्कुल, पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में बुलाया गया है, शहर के अलावा जयपुर से भी बड़ी टीमें यहाँ पर पहुंची है। अलग अलग 16 टीमें बताई जा रही है कि पुलिस की यहाँ पर मंगाई गई ताकि अलग अलग मॉनिटरिंग की जा सके और किसी तरह की अशांति भी फैले। कमलेश हमारे साथ बने रही है, पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनी तैनात की गई है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, हालांकि सुबह का वक्त है, ऐसे बाजार बंद है, लेकिन माना ही जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बाजार यहां पर खुलेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर भी बाजार खुले थे, लेकिन जैसे ही छात्र की मौत की खबर सामने आई बाजारों को भी बंद कराया गया और जाहिर तौर पर एक बार फिर आक्रोश समाज के लोगों में, परिवार के लोगों में देखने को मिला था। ऐसे में कई मांगों को लेकर यहां पर सहमति बनी, लेकिन उससे पहले समाज के लोग नारेबाजी करते हुए भी नजर आए थे और स्थिति यहां पर पुलिस की तरफ से कंट्रोल करना काफी मुश्किल भी हुआ था। लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती इस वक्त आपको दिख रही है। अंतिम यात्रा यहां पर कमलेश किन किन मार्गों से होते हुए निकली, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब देवराज का जो घर है वो शहर के खेरादीवाड़ा में, वहां से शव यात्रा शुरू हुई जो कि खेरादीवाड़ा से अमलकांटा से आगे बढ़ती हुई सूरतपुर चौराया, बापू बाजार, दिल्ली गेट, शास्त्री सर्कल होते हुए सीधे अशोक नगर जो मोक्ष धाम है, अभी वहाँ मोक्ष जो शव यात्रा है की पहुंच चुकी है और अब अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो शुरू की जा रही है। जी कमलेश, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो शुरू हो गई हैं, इससे पहले अलग अलग मुख्य मार्गों से होते हुए अंतिम यात्रा मोक्ष धाम पहुंची है। सोमवार का दिन जाहिर तौर पर दुखों का पहाड़ लेकर परिवार के लिए आया। 3 बजे उदयपुर शहर में रक्षाबंधन की माना जा रहा था कि रौनक एक बार फिर लौट रही है, शहर अब पटरी पर लौट रहा है। पिछले चूंकि 3 दिन से
लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी थी। कल चौथा दिन था, टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे ही शाम को करीब 4:30 बजे स्टूडेंट की मौत खबर सामने आई, अचानक 6 से ज्यादा बाजार बंद हो गए, सड़कों पर कुछ ही मिनटों में सुनसान वहां पर सड़कें नजर आई। कुछ लोगों ने शहर में कर्फ्यू की अफवाह फैला दी और ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। जगह जगह जब लोग इकट्ठा होने लगे तो पुलिस ने उनको खदेड़ा भी और 5 बजे के पास एमबी हॉस्पिटल में, चूंकि ये छात्र जो पिछले 4 दिन से भर्ती था, वहां पर बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों की भी तैनाती की गई, अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर लगाया गया। अचानक एंट्री हॉस्पिटल में बंद करनी पड़ी। इकट्ठा जो गलियों में लोग हो रहे थे, भीड़ हो रही थी, पुलिस काफी देर तक उन्हें खदेड़ती हुई भी नजर आई है। 6:30 बजे बताया जा रहा शाम को वहां पर हॉस्पिटल की दीवार पर भी कुछ लोग फांदकर मोर्चरी के बाहर तक पहुंच गए थे, नारेबाजी करने लगे थे और ऐसे में दूर वहां पर मोर्चरी के बाहर जो लोग थे उनको हटाया गया पुलिस की तरफ से, समझाइश की गई जनप्रतिनिधियों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की लंबी वार्ता परिवार और समाज के लोगों में चली और इसके बाद जो मांगे थी उन पर सहमति बनने के बाद माहौल को शांत कराया गया। चूंकि उदयपुर ने वो वक्त भी देखा जब धारा 163 लागू की गई थी, जगह जगह सड़कों पर आगजनी हुई थी, जगह जगह तोड़फोड़ की गई थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया था, जो आसपास वाहन खड़े हुए थे सड़कों पर उन पर भी आग लगा दी गई थी और ऐसे में इस नाजुक वक्त को संभालने के लिए उदयपुर में उन अधिकारियों की तैनाती की गई जो कभी यहाँ पर पोस्टेड रहे थे। बाकायदा जयपुर से अतिरिक्त पुलिस बल का तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। ड्रोन की भी आज खास तौर पर मदद ली जा रही है निगरानी रखने के लिए सड़कों पर, ताकि किसी तरह के इस नाजुक वक्त का फायदा असामाजिक तत्व ना उठा लें। कमलेश भी हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट सुबह से दे रहे हैं। कमलेश, जाहिर तौर पर परिवार के लिए ये एक वक्त जो है किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं है, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो इतनी कम उम्र में। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत नाजुक वक्त है, इस समय परिवार पर पहाड़ों का दुख टूट पड़ा है क्योंकि कल ही रक्षाबंधन पर्व था। ऐसे में जब देवराज की बहन को अंदर भेजा गया राखी लेकर, उस समय भी वो क्षण जो थे बहुत ही नाजुक थे। उसके बाद जब शाम को इस मौत की डिक्लेयर किया गया कि देवराज अब नहीं रहा, उसके बाद लोगों को जब ये खबर चली तो लोगों को आंसू नहीं रुक पाए और क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन तक मंदिर मस्जिदों सभी में प्रार्थना दुआ की जा रही थी छात्र को बचाने के लिए, दुआएं भी लेकिन कहा जा सकता ना दुआ काम आई न दवा काम आई, प्रयास पूरे किए गए और उसके बाद जब ये मौत की खबर मिली तो लोगों में एक गमगीन माहौल हो गया, हर आंख में आंसू दिख रहा है। जी बिल्कुल, उदयपुर इस वक्त गमगीन है। देवराज को अंतिम विदाई दी गई है, मोक्षधाम पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार भी देवराज का किया जाएगा। देवराज, मुझे लगता है कि उदयपुर का हर एक परिवार उस बच्चे से जिस तरीके से भावुकता के साथ जुड़ा है वो हमें तस्वीरों में भी नजर आया, जब अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा उदयपुर उमड़ आया हो। कमलेश, कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि जिंदगी की जंग जीत जाएगा देवराज, क्योंकि एक्सपर्ट की टीम भी SMS अस्पताल से भेजी गई थी, सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से देवराज को ठीक किया जा सके। अंतिम क्षणों में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि खबर ये भी थी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि बेहतर हो रही है स्थिति, अचानक क्या हुआ कि तबीयत बिगड़ी? बिल्कुल, देखिए लगातार जो है कि टीम से पूरा प्रयास किया जा रहा था, जयपुर से टीम आई, कोटा से टीम आई, डॉक्टर की विशेषज्ञ जो आए वो सभी आए, उदयपुर के सीनियर डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और पूरे प्रयास किए जा रहे थे और हर थोड़ी देर बाद हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा था कि स्वास्थ्य में रिकवर किया जा रहा। लेकिन हालात जो है कि स्थिति बनी हुई थी, बीच में बीपी भी बढ़ने की बात सामने आई तो उस समय डोज बढ़ाया गया बीपी का, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर उसके बाद धीरे धीरे होते गए और कल जो समय जो था रक्षाबंधन पर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद शाम को जब इस तरह की बात सामने आई तो देवराज बीच में नहीं रहा और उसके बाद चिकित्सकों ने जो कि उन्हें उनकी मौत घोषित की। जी कमलेश, जाहिर तौर पर ब्लड लॉस एक बड़ा रीजन रहा और उसके बाद लगातार ऑर्गन फेलियर होने की वजह से देवराज की मौत हो गई, लेकिन 16 अगस्त यानी कि 4 दिन से लगातार वो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। 16 अगस्त में जब चाकू से हमले किए गए
तब भी उस वक्त काफी ब्लड लॉस हो गया था और उसके सहपाठियों ने ही स्कूटी पर बैठाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। क्या तुरंत मदद मिल पाई थी, ट्रीटमेंट शुरू हो पाया था या स्कूल में थोड़ा देर हुई? इतना ब्लड लॉस कमलेश किस वजह से हुआ, कितने वार किए गए थे दूसरे छात्र की तरफ से? जी देखिए, जब ये वारदात जब हुई थी तो जो दूसरा छात्र का सहपाठी था उसने जब वारदात की तो चाकू जो है कि देवराज के जांघ पर दे पारा और उसके बाद जो है कि देवराज की कोई नष्ट वो वार हुआ। उसके बाद चूंकि ब्लड बहुत काफी निकल चुका था वहां पर स्कूल पर ही, लेकिन जब काफी प्रयास के बाद जब स्कूल प्रबंधन और जो बच्चे थे उसको स्कूटी में बिठाकर एमबी हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उन्होंने पूरा प्रयास किया। उसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसको आईसीयू में लिया और ट्रीटमेंट के वो जो बेहतर उपचार हो सकते वो सारे शुरू कर दिए गए। और लगातार जो है कि सीनियर डॉक्टर्स की टीम पहुंच गई थी, पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए, प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट लिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जब लगा कि सीनियर डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी जयपुर से भी कोटा से भी ये टीमें यहाँ पर आई और लगातार जो है कि 3 दिन तक इलाज में जुटी रही। जी बिल्कुल, तलाश यहाँ पर लगातार कोशिशें होती रही कि